वेलकम टू बिगनर्स किचन बाय शालिनी। आज हम बहुत ही स्पेशल सी चीज़ बनाने वाले हैं। फ्रेंच फ्राई सबने बनाए हैं अपने घर पे, आलू के ये चिप्स टाइप के स्टिक्स सभी बनाते हैं। हम इसके साथ वाइट सॉस भी ऐड कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ के 4 आलू लिए हैं। इनका छिलका मैं अच्छे से इस तरह निकाल दूँगी, और आलूओं के छिलके में निकाल चुकी थी, एक मैं निकाल के बस दिखा रही हूँ। ये तो सभी को मालूम है कैसे छीलना है। अब इसी हम कट कर लेंगे। लंबे टुकड़े इसके हमें काटने हैं ताकि ये लंबे लंबे से स्टिक जैसे दिखाई पड़े। ठीक है, ऐसे इसे मैं लंबे टुकड़ों में काट रही हूँ। इस तरीके से सारे मैं टुकड़े काट लूँगी। ये देखिए, ये इस तरीके से हमें मोटे टुकड़े दिखाई देंगे। सभी टुकड़ों को अब मैं ठंडे पानी में लगभग 10 से 15 मिनट के लिए भिगो दूँगी। इससे इसका जितना अंदर स्टार्च होगा एक्स्ट्रा वो निकल जाएगा और ये अच्छे से धुल भी जाएगा, सफ़ेदी आ जाएगी इसमें हमें। इस तरीके से मैं ठंडे पानी में इसे भिगो दे रही हूँ। अब हम 15 मिनट का इसे रेस्ट दे रहे हैं। उसके बाद इसको मैं पानी से निकाल के अलग कर लूँगी, इसका पानी हटा दूँगी। इस तरीके से छन्नी से मैंने इसका पानी अलग कर दिया है। देखिए, पानी में से हटाने के बाद इसको मैं टॉवल पे फैला के अच्छे से थपथपा के, या पैट ड्राई बोलते हैं जिसे, इस तरीके से सुखा लूँगी मैं। इसका मॉइस्चर हट जाएगा। इसे फिर से 10 मिनट रखा, फिर हम इसे तल लेंगे। तलने के लिए इसे हम 2 बार तलेंगे। पहली बार हम तलेंगे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए, जिसमें कलर ना चेंज होने पाए आलूओं का। और ये स्टिक जब 2 से 3 मिनट हम तेज़ आंच पे घुमा के ऐसे तल लेंगे। अब ये जो हम पहली बार तल के हटाएंगे, इसे आप फ्रीजर में रख के बाहर पहले ठंडा कर लीजिए, फिर फ्रीजर में रख के आराम से 1-2 महीने जब ज़रूरत पड़े तब तुरंत निकालिए और तल के दे सकते हैं। ये इस तरीके से मैंने इन्हें 3-4 मिनट लगभग तला था, जिसपे ये रेड नहीं होने पाए थे, उसी कलर पे रोक दिया था। अब इसे 1/2 घंटे हम ठंडा करेंगे। जितनी ज़रूरत है उतने तलेंगे, और जो नहीं ज़रूरत है उसे फ्रीजर में डाल देंगे दोबारा की यूज़ के लिए। ये देखिए, ठंडे हो गए थे। अब इसे खूब हमें क्रंची गोल्डन ब्राउन कलर में इसे तल लेना है। अच्छे से मैं इसे तल ले रही हूँ। अब फिर से तेज़ आंच पे ही तलेंगे, क्योंकि पहले भी थोड़ा सा तलने पे ये हल्के से पके थे। अब धीरे धीरे करके ये अपने उस कलर में आएंगे जो हमें चाहिए। ये देखिए, इसे हल्का सा भी और चला लिया, ये खूब क्रंची से हो जाएंगे। इन्हें फिर मैं हटा के अलग रख दूँगी और वाइट सॉस बनाने की तैयारी करेंगे। वाइट सॉस के लिए मैंने यहाँ पर बटर लिया है। थोड़ा सा बटर लेने के बाद, ये लगभग 1 से 1.5 चम्मच बटर था मेरा, इसमें कटी हुई लहसुन की कलियाँ थी उन्हें मैंने डाल दिया है। वाइट सॉस में ये लहसुन का फ्लेवर जब आता है ना, वो बहुत ही इनवाइटिंग सा लगता है, आपको लगेगा कि हाँ चलिए खाया जाए। ये ऑप्शनल है, आप अगर वाइट सॉस नहीं डालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, आप ऐसे ही आलूओं को खाइए। इसमें फिर मैंने 1.5 चम्मच लगभग मैदा डाला है। इस मैदे की कच्चेपन की जो खुशबू है वो हट जाए, बस इतना ही हमें इसे पकाना है, इसकी सफ़ेदी ना हटने पाए बस। तुरंत फिर मैंने इसमें दूध डाला। दूध धीरे धीरे करके हम चला चला के डालते रहेंगे, ऐसे मिक्स करते हुए। आप देखेंगे सारे लम्स धीरे धीरे हट जाएंगे और एक स्मूथ सा टेक्स्चर दिखाई देगा। इस 1 कप दूध को डालने के बाद इसे मैं मिक्स करूँगी और फिर इसमें डालूँगी मैं चीज़ कद्दूकस की हुई।
आपके पास स्लाइस वाली हो आप स्लाइस डालिए या जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो चीज़ डालिए। थोड़ा सा इसको ऐसे चलाते हुए धीमी आंच पे, फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी ऐसे, थोड़ा ये थिकनेस थी वो कम हो जाएगी। अब ये सॉस लगभग बन के तैयार है। अब इसमें मैं हल्का सा चीज़ी चीज़ जो होता है वो थोड़ा सा सॉल्टी होता है, इसलिए थोड़ा कम नमक डालिएगा। इसमें हल्का सा चिली फ्लेक्स डाला, चिली फ्लेक्स के साथ में थोड़ा सा हमने ब्लैक पेपर और मिक्सर जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो डालिए, ऑप्शनल है ये। और फिर साथ में मैंने इसमें ऐड किया सॉल्ट, सॉल्ट थोड़ा ही डालना है, मैंने पहले ही बताया है कि चीज़ में सॉल्ट ऑलरेडी रहती है। चलिए फिर अपने फिंगर चिप्स जो हमने बना के रखे थे आलू के, उनको भी नमक वगैरह डाल के फिट कर लेते हैं। नमक डाला, हल्का सा लाल मिर्च डाला, आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, ये सब अपने ऊपर टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड करिए। और साथ में फिर इन्हें मैं प्लेटिंग कर ले रही हूँ, प्लेट में डाला और ऊपर से ये वाइट सॉस डाल के सर्व किया। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप वाइट सॉस के बिना भी खाना चाहते हैं तो भी खा सकते हैं। बच्चों को वाइट सॉस के साथ में ये फिंगर फ्राइज बहुत पसंद है, और आप भी बना के खिलाइए, घर में सभी को बहुत पसंद आएगा। ये देखिए, वैसे मुझे जैसा पसंद है वो है ऐसा बिना सॉस का। बच्चे मेरे सॉस के साथ में खाते हैं, वो सॉस के साथ एंजॉय कर रहे हैं, मैं फिंगर फ्राइज ऐसे ही बिना सॉस के एंजॉय कर रही हूँ। ये आपकी मर्जी है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।